नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर गैस गोदाम रोड पर एक जूते के वेयर हाउस में। आज अभी अभी आग लगी है, जिसको लेकर दमकल विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची। और आपको बता दें, ये जूते का वेयर हाउस था और यहाँ पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से इस वेयर हाउस के अंदर आग लगी है, जिसको लेकर चश्मदीदों ने ये पूरी जानकारी दी है। रूबी क्या हुआ था? वेल्डिंग हो रही थी, उसी से लग गया। अच्छा, किस चीज़ का गोदाम था? जूता चप्पल का। अच्छा, कितने लोग थे जिस वक्त आग लगी? इसमें वेल्डिंग वाले ही थे, 4-5 लोग और कोई नहीं था। अच्छा, सब निकल गए बाहर या अंदर ही? बाहर माल लेके गए थे। अच्छा, जो लोग अंदर वेल्डिंग कर रहे थे वो अंदर हैं या बाहर? बाहर हैं सारे, कोई नहीं है। अच्छा, कितनी देर पहले लगी थी आग? 1 घंटा हो गया। मेरा नाम अशोक टोकस है। अशोक जी, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अलीपुर का क्षेत्र है, अलीपुर के आसपास में जितने भी जो खेती की जो ज़मीन थी उनमें प्रशासन की मिली भगत से ये कहूँ कि भ्रष्टाचार के कारण पूरे गोदाम यहाँ पे बने हुए हैं। और इन गोदामों में जब जो आग लगी है, या आए दिन होता रहता है, पीछे बुढ़पुर में भी आग लगी हुई थी इस तरह से, और अब यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही आपको साफ नज़र आ रही है। और ये आग नहीं लगी, जो प्रदूषण आप देख रहे हैं ना, ये जीवन को ख़त्म करने वाला है। कितनी बीमारियाँ, कितने पक्षी यहाँ पे परेशान होते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं, मतलब सांस लेने में मुश्किल हो रही है। और करीब 1 घंटे से आग लगी हुई है और ये बहुत बुरा असर पड़ रहा है जीवन पे, इस जो काला जो धुआं उठ रहा है। आपने बताया खेती की जमीनों पर अवैध गोदाम निर्माण हो रहा है, तो कौन कौन सा प्रशासन शामिल होता है इसमें? प्रशासन में सभी प्रशासन के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि कोई भी आप इलीगल काम करोगे तो ये तो यानी कोई आदमी आपके साथ दे देगा। मैं खुद किसान हूँ, अपनी ज़मीन में कुछ करना चाहूँ तो बिना परमिशन में कमरा नहीं बना सकता। और यहाँ पर लाखों के करोड़ों के गोदाम बने हुए हैं और पूरे एरिया में गोदाम बने हुए हैं, इसमें सभी शामिल होते हैं। और बिना भ्रष्टाचार के तो आप एक ईंट लगा नहीं सकते आप, ये सच्चाई है, ये कड़वा सत्य है। तिलक राज क्या हुआ था? हम तो, मेरे को तो उतना पता नहीं, मैं तो हम तो गाड़ी लेके बाहर निकले थे, तो आग लग गया बोल के फोन किए तो आए, तो आग लग चुका था। कितने लोग थे अंदर? अंदर 4-5 लोग थे। यहीं पे काम करते हो आप भी? किस चीज़ का गोदाम था? ये जूते चप्पल का गोदाम। अच्छा, कैसे आग लगी? ये पता नहीं सर कैसे लगी, हम तो बाहर थे, मेरे को उतना पता नहीं। संदीप, किस चीज़ का गोदाम है, क्या है? जी, ये फुटवेयर का गोदाम है। अच्छा, क्या क्या बनता था इसमें? बनता नहीं है सर, गोडाउन है, वेयर हाउस है। वेयर हाउस है जी। अच्छा, लोग हैं अंदर? लोग नहीं है जी, अंदर सब बाहर है। आग लगी? आग ये वेल्डिंग कर रहे थे सर, वेल्डिंग की वजह से आग लगी। जो आग है वो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर है, और आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग करीब घंटे भर से लगी हुई है और दमकल विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने में लगी हुई है, जिसको लेकर दमकल विभाग सहित दिल्ली पुलिस भी यहाँ मौजूद है और आग पर काबू पाने में लगी है। लेकिन जो गोदाम है वो पूरा का पूरा जल चुका है और जो ऊपर की शेड थी वो भी नीचे गिर चुकी है, और जो आसमान है काले धुएं के गुब्बार में बदल चुका है। आग इतनी भयंकर है कि दूर दूर तक इसकी लपटें व काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है, जिसको लेकर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर है और लगातार आग पर काबू पाने में लगी हुई है। बता दें, वेल्डिंग का काम यहां पर किया जा रहा था, जिसको लेकर यहां पर काम करने वाले लोगों ने इस मामले की जानकारी दी और उसी दौरान आग लगी है, और आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग व दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। बहरहाल, इस मामले को लेकर जो दमकल विभाग है वो लगातार आग पर काबू पाने में लगा हुआ है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।